हाय, आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस की रेसिपी। तो इसमें हमने सभी सब्जियां काट ली हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, सेम और बीन्स भी ली हैं, और मटर और स्वीट कॉर्न को एक साथ बॉईल कर लिया है। बचे हुए चावल जो थे उनको मैंने सोचा चलिए फ्राई कर लेती हूँ, तो फ्राइड राइस उसी से बनाएंगे। और इसी में मैं कुछ और भी डालूंगी जिससे बिरयानी का फ्लेवर भी आ जाए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा, जब बटर मेल्ट हो जाए, 1 चम्मच देसी घी डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने जूलियन कट करके रखा है प्याज, वो डालेंगे, जीरा डालेंगे, जीरा चटकने के बाद प्याज डालेंगे। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, और प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कैबेज डालेंगे। कैबेज ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं कर पसंद करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। तो कैबेज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम और सब्जियाँ डालेंगे। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हरी मिर्च और जो भी आप कुछ सब्जियां ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसमें मैंने स्वीट कॉर्न और मटर को एक साथ बॉईल कर लिया था, वो भी अब इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और ये हैं न्यूट्रीला, जिन्हें सोया चंक्स कहते हैं, और पनीर, इसको मैंने 1 चम्मच घी के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। पहले रोस्ट करने के बाद ही इसमें डाला है जिससे इसमें कच्चापन ना रहे। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले डालेंगे। ये हमारा गया रेड चिल्ली, कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा सा है मैगी मसाला, और अब डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर, तीखापन आ जाए इससे। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हम काली मिर्च डाल चुके हैं तो ये ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, अच्छे से सौटे करेंगे। जब सब सब्जियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, वो हमने कुटी मिर्च डाली थी, ये पाउडर है। इसी के साथ कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, और अब थोड़ा सा वो ग्रीन चिली सॉस जो होता है 1 चम्मच वो डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, सब्जियों को थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब अपने ये जो फ्राइड वो बॉइल्ड राइस हैं वो डाल देंगे। ये मैंने कल रात को बनाए थे, बच गए थे, तो उसमें सोचा इनको फ्राई कर लिया जाए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे चलाते हुए। ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब इनको चलाने के बाद थोड़ा सा जो मसाले हैं वो राइस में अब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए हम इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ढक कर गैस को स्लो कर देंगे। दो मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, फिर से एक बार इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद देखेंगे हमारे राइस भी जो हैं वो मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और जो मसाले हैं वो उनका फ्लेवर तभी आता है जब हम थोड़ी देर उनको ढक देते हैं, खाने के साथ जो भी बना रहे हैं उसके साथ ढक देते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बिल्कुल रेडी टू ईट, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये फ्राइड राइस की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।